फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज जबरदस्त न्यूज है, बिकॉज आज की न्यूज पे हम बताने वाले जो डोमेस्टिक वीजा की ट्रांसफरेशन ऑफ द वर्क वीजा खुल चुका है। यस, तो मतलब जो डोमेस्टिक वीजा जो होता है 20 नंबर वो खुल चुका है, वो लोग ट्रांसफर करा सकते और कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीजा पे, वो जो 18 नंबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ शर्तें या फिर तो कुछ कंडीशन रखी गई है, उस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। जो लोग डोमेस्टिक वर्कर्स थे और वो लोग चाह रहे थे कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके काम कर पाए, तो अब वो जाके कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो अब डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्क परमिट पे ओनली इन द प्राइवेट कंपनीज। इसके लिए कंडीशन नंबर वन, आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस, उन्हें अप्रूवल बेसिकली जब भी आप जहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, और अगर आपको दूसरी जॉब चेंज करनी है तो उनको बोलना पड़ेगा और वो लोग अप्रूवल देंगे। बेसिकली एक आपको रिटर्न लेटर में दे देंगे कि हाँ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप का ये होगा, जिसमें वो बोलेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप अपनी जॉब चेंज करते हैं हमारे यहाँ से, कोई प्राइवेट फर्म में आप ज्वाइन कर लेते हैं। एक चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, जो भी डोमेस्टिक वर्कर है उसे लगभग 1 ईयर से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयर के पास काम किया हुआ हो, जब भी जाके वो चेंज करा सकता है। अगर 1 साल के से कम का टाइम है, 6 महीने, 8 महीने, ठीक है, 2 महीने, तो ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कम से कम उसको 1 साल काम किया होना चाहिए, जब ही वो जाके प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकता है। अगर 1 साल से कम है तो नहीं कर सकता। अच्छा, और टाइम पीरियड, ठीक है, तो टाइम पीरियड के बारे में बता सकते हैं। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ वीज़ा है फ्रॉम 20 नंबर टू 18 नंबर, ये ओपन हो चुका है, ये खुला है 14th of July से लेकर 12th of September तक। ठीक है, तो टाइम लिमिटेड है, कुछ महीनों के लिए ये टाइम है, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाए, बिकॉज ये लिमिटेड टाइम है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके कर दे। तो लास्ट कंडीशन जो होने वाली है कि 50 KD इसकी फीस चार्ज की जाएगी, और एवरी ईयर इसकी रिन्यूअल जो कॉस्ट होगी वो 10 KD होगी। तो ये सारी कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो दिस इज़ द न्यूज़। सो जो लोग भी है अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक वर्कर टू अ वर्क परमिट, वो करा सकते हैं। बिकॉज अभी कुवैत में क्या हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें अब वर्कर्स मिल नहीं रहे, उनको जो मैन पावर में नहीं मिल रही, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। और जो लोग अवेलेबल है कुवैत के अंदर एज अ डोमेस्टिक वर्कर, उन्हीं को यूज़ करने की कोशिश की गई है। सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर की तरह, और उनके पास एक अच्छा स्किल सेट है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना वीज़ा को चेंज करा सकते हैं और वो अपने प्राइवेट जॉब्स फाइंड कर सकते हैं और वर्क परमिट ले सकते हैं। बट उनकी जो रिलेशनशिप है अपने एम्प्लॉय के संग अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो जब जाके बोले अपने एम्प्लॉयज़ के कि हाँ सर, मेरा 1 साल पूरा हो चुका है और अब मुझे लगता है कि मुझे दूसरी जगह जॉब मिल रही है और मैं वहाँ जॉब करना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉय के संग अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, जिससे कि वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के दे दे। अगर वो नहीं देगा तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। कुछ जो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है वो मैं वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलो अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बाय।